वाल्मीकि समाज के क्रिकेट प्रतियोगिता में उदयपुर ने जीता फाइनल मैच। अजमेर और उदयपुर के बीच खेला गया था फाइनल मैच। अजमेर में राजस्थान भर के वाल्मीकि समाज के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच में फाइनल मैच में उदयपुर ने जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में राजस्थान भर के वाल्मीकि समाज की 10 टीमों ने भाग लिया था। वहीं फाइनल मैच अजमेर और उदयपुर के बीच खेला गया था। अंत में उदयपुर ने अजमेर को हराकर ये कप अपने नाम किया। ये प्रथम वाल्मीकि समाज क्रिकेट प्रतियोगिता चल रहा था ऑल ओवर राजस्थान। इसके अंदर 10 टीमों ने भाग लिया था और देखते देखते लास्ट के अंदर अजमेर वाल्मीकि और उदयपुर बाबा साहेब क्रिकेट क्लब ने लास्ट में फाइनल खेला। उस फाइनल के अंदर पहले टॉस जीतते हुए अजमेर वाल्मीकि ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी सामने वाली टीम को 118 रन का टारगेट दिया। जवाब के अंदर उदयपुर की टीम ने मैच बड़ी मशक्कत के बाद में लास्ट मोमेंट तक ये मैच गया था। छः गेंद में एक रन चाहिए था और वो एक गेंद में एक रन ला करके लास्ट मोमेंट पर उन्होंने मैच जीत लिया। आज कौन कौन मुख्य अतिथि था? मुख्य अतिथि श्यामलाल जी चन्नाल और अध्यक्ष इस कार्यक्रम के अध्यक्ष था रामलाल जी डांगुरिया, छुट्टन जी डांगुरिया, हमारे समाज के जो तीन पार्षद है श्रवण कुमार जी टोनी साहब, पार्षद पति अनिल नरवाल जी, भवानी सिंह जी जेदिया। आपका नाम? मेरा नाम गौरीशंकर सर।